देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सच्चे और महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहादत को इस वर्ष 27 फरवरी को पूरे 98 साल हो चुके। हम शहादत पर महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिनके बलबूते पर हमने आज़ादी पाई है। हम आज़ाद देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम अपने मुल्क में अमन चैन से जी रहे हैं तो केवल इन्हीं महान क्रांतिकारियों के बलबूते पर हैं। तो हमें आज़ादी के सिपाहियों को किस तरह याद करना चाहिए और आप किस तरह इन्हें याद कर रहे हैं? मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। ये उन शहीद आजम की जुबानी थी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उनके शहादत को आज पूरे 98 साल हो चुके। हम जिस जगह खड़े हैं, ये शहर का गुरुद्वारा चौक है। यहाँ कुछ साल पहले इन शहीद आजम जितने हैं हमारे सामने, ये लगभग 6 स्टेचू है जिनकी स्टेचू लगी है। ये शहीद सुखदेव था पर शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, शहीद मंगल पांडे, शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद शिवराम राजगुरु, तो ये तमाम वे लोग हैं जिनके स्टेचू यहाँ लगे हैं। स्टेचू लगाने का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि लोग इनके बारे में जाने, उद्देश्य ये है कि इनकी जो शहादत है इसको याद कर लेने भर से कुछ नहीं होता भैया मेरे। इन्हें याद नहीं, इनको समझना पड़ेगा। जो आज़ादी की आबोहवा में खुले तौर पर हम जी रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इन प्रतिमाओं को देखिए और इस प्रतिमा के बाद उस एरिया को देखिए। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे इनकी प्रतिमाओं को स्थापना करने का उद्देश्य है कि आने वाले पीढ़ी इनके इतिहास को, इनके शहादत को और इनके बलिदान को याद करे। और ये कैसे याद करेंगे, जब इनको देखेंगे पढ़ेंगे। इनका उद्देश्य भी यही रहा होगा कि इन प्रतिमाओं को लगाने का, लेकिन अब ये प्रतिमाओं को ढक दिया गया है या ढाक दिया गया। इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, इसके पहले भी हम सोशल मीडिया पे लिख चुके हैं, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं देंगी, चाहे प्रतिपक्ष के पार्टी के हो या सत्ता दल के हो। पहले बीजेपी थी, कांग्रेस रहे, सब अपने अपने जगह काबिज है। आज चंद्रशेखर जी की शहादत को 98 साल हो गए, लेकिन इसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कांग्रेस के लोगों ने और शायद बीजेपी के लोगों ने भी अपनी उनके भी आज याद किया है। उसके साथ आज कांग्रेस के लोग यहाँ पे इनके शहादत को याद करने के लिए आज आए थे। तो आप पहले उसे देख लीजिए कि याद करने आए थे लेकिन स्थिति जो थी कि उनको कैसे आना पड़ा और कैसे शहादत को याद करना पड़ा। हम फिर बताने जा रहे हैं कि चाहे कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इच्छा शक्ति नहीं, इनके लिए समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पे हमने आज़ादी पाई है और आज़ादी पाने के बाद हम खुली आबो हवा में जी रहे हैं। तो आप देखिए, इन पेड़ों को कटवा के या इनको लेवल में ला के इन प्रतिमाओं को दिखाया जा सकता था या निहारा जा सकता था, लेकिन इतने साल हो गए, प्रतिमा का अनावरण तो हो गया है लेकिन उसके बाद इसका रखरखाव नहीं होता। हमें भी बताया जा रहा है, जिले के सांसद और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ का विधायक है, इसी जगह कुछ दिन पहले गुरुद्वारा समिति ने कार्यक्रम कराई थी, यहाँ उपस्थित थे। तो शायद हो सकता है कि बड़े नेता है तो ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता है वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे। आज कांग्रेस के लोग भी आए थे, क्या अपने नेता को नहीं बताएंगे? ये लोग बताए या ना बताए, हमारा काम था आपको बताना, ताकि हम आपको उन लोगों तक बातें पहुंचाना हमारा उद्देश्य है कि जिन्होंने शहादत दी है उन्हें हमें कैसे याद करना चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।